बिहार का लाल मुकेश क्रिकेट में कर रहा है कमाल। गांव की गलियों से शुरू किया था खेलना, आज दुनिया में है इसका नाम। बचपन में पिता और चाचा ने क्रिकेट खेलने से किया था मना, लेकिन जुनून कहां किसी को रोक पाया है। रोजी रोटी के लिए जब परिवार पहुंचा कोलकाता तो पिता को चलाना पड़ा रिक्शा। आज बिहार का लाल इंडिया ए टीम के लिए बना रहा है कीर्तिमान। आज हम आपको बिहार के एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी परवरिश बहुत ही साधारण तरीके से हुई। इस खिलाड़ी के संघर्ष के दिनों में पिता का खूब साथ मिला, लेकिन आज जब बेटे को शोहरत मिल रही है तो एक नाम मिल रहा है तो इस दिन को देखने के लिए उसके पिता उसके पास नहीं है। मुकेश के बचपन के दिनों को याद करते हुए उसके चाचा भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि बेहद साधारण पृष्ठभूमि से ऊपर उठा है यह लड़का। बिहार के गोपालगंज के कांकड़कुंड गांव के रहने वाले मुकेश कुमार ने अपने पहले अनाधिकृत टेस्ट मैच के शुरुआती दिन में शानदार लाइन लेस करते हुए 5 विकेट अपने नाम कर लिया। बता दें कि अपने डेब्यू मैच में ही मुकेश कुमार ने 23 ओवर में 86 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किया है। आपको बता दें कि मुकेश कुमार गोपालगंज के कांकुड़ गांव के रहने वाले हैं। मुकेश बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। पिछले साल उनके पिता काशीनाथ सिंह की मृत्यु हो गई। बता दें कि उनके पिता कोलकाता में ऑटो चलाते थे, माँ एक गृहिणी है। मुकेश क्रिकेट खेलते हुए लोगों की नज़र में पहली बार तब आए जब गोपालगंज में प्रतिभा की तलाश प्रतियोगिता में अपनी गेंदबाजी के बदौलत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस प्रतियोगिता में 7 मैच में उन्होंने 1 हैट्रिक के साथ 34 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद उन्हें जमुई जिला टीम में जगह मिली। इसके बाद स्टेयरिंग कमेटी ने अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट में मुकेश को बिहार का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए उस समय के बाद बिहार में क्रिकेट की मान्यता ही रद्द हो गई, जिसके बाद मुकेश को बंगाल जाना पड़ा। लेकिन जब वे बंगाल गए तो उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मुकेश का प्रदर्शन रणजी ट्रॉफी में शानदार रहा। उन्होंने 2 सीजन में 30 विकेट अपने नाम कर चयनकर्ताओं को चुनने पर मजबूर कर दिया। आज मुकेश भारतीय ए टीम के तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए मुकेश ने बताया था कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रोजेक्ट विजन 2020 का अपना अनुभव उन्होंने साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 200 से 250 क्लब क्रिकेटरों में से मुझे कैंप में चुना गया। बकार यूनिस, मुथैया मुरलीधरन और बीबीएस लक्ष्मण को शिविर के लिए कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि 26 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और 2.73 की इकोनॉमी से 95 विकेट अपने नाम किया। विजन 2020 कैंप में जब चयनकर्ता उनका नाम पुकार रहे थे, मुकेश वॉशरूम में थे। जब वह लौटे तो चयनकर्ताओं के पास गए और बताया कि उन्होंने जवाब देने में समय क्यों लिया। इसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें गेंदबाजी करने का मौका दिया, उन्हें चुना गया क्योंकि बकार यूनिस उनकी गेंदबाजी से खासा प्रभावित थे। जब मुकेश ने अपनी कैरियर की शुरुआत की तो शुरुआती चरण में ही उन्हें देश के महान क्रिकेटरों का साथ मिला। उन्हें पूर्व तेज गेंदबाज रणदेव बोस ने उन्हें अपनी गेंदबाजी का गुर सिखाया। इसके साथ साथ उन्हें जयदीप मुखर्जी का भी साथ मिला। अगर हम उनके मेंटरशिप की बात करें तो उन्हें मनोज तिवारी ने शुरुआती समय में उनका खूब साथ दिया और उन्हें अरुण लाल का भी साथ मिला। जब वो समय आ गया था जब वे अपनी प्रतिभा के बदौलत आगे बढ़ रहे थे, इसी समय उन्हें रिद्धिमान शाह का भी साथ मिला। अगर हम पिछले दिनों की बात कर लें तो जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी, उस समय मोहम्मद शमी ने मुकेश कुमार और आकाशदीप को बुलाकर गाइडेंस दिया था। हालांकि मुकेश ने यह भी बताया कि घर परिवार चलाने के लिए उनके ऊपर नौकरी करने का दबाव भी आता रहा। इस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जब आप अपने माता पिता से कहते हैं कि आप क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे हमेशा नहीं कहते हैं। वो चाहते थे कि मैं पढ़ूँ और अच्छी नौकरी पाऊँ। आज मुकेश की यह इच्छा नहीं है कि वह देश के लिए खेले, पूरे बिहार की इच्छा है कि ईशान किशन की तरह बिहार का एक और बेटा भारतीय टीम में अपनी जगह बनाए और प्रदेश के साथ पूरे देश का नाम रोशन करे।